आ जान दे, आज इसे नवाब बना दूंगा। के बात है, क्यों भाग रहा? अरे होक नहीं चढ़ रही है पिताजी? क्या बताऊं, सुसा कुत्ता पीछे भाग लिया। अच्छा रे, कुत्ते के पीछे कुत्ता भाग लिया है? मुझे कुत्ता बता रहे हो? अगर मेरी माँ होती ना तो मुझे एक बार भी कुत्ता ना बताते। रे यार ड्रामे छोड़ दे। अरे एक काम कर, दराती लेकर खेत में चला जा, न्यार लिया। चौधरी धर्मवीर का लौंडा न्यार लाओगा? वो भी इकलौता? अच्छा रे, कोई क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा, क्यों कहेगा? न्यार लाना है। दराती कहाँ है? दराती के घेर में जा, घेर में तो ले लिए। घेर में तो ले लिए, चल जा जा। बुढ़ा सोना ना बोलता, रैप्टा और मार दिया। तेरे ससुरे ना दुखी कर रखे, पता ना कद पिंट पिएगा हमारे। अपने आप मांझ लेगा ससुरा आके, हम भी ना करते। अरे पानी में लहरे ले रही है तेरा बेल सिंगाड़े की। अरे पानी में लहरे ले रही रे राजा बेल सिंगाड़े की। लाला जी राम राम। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम। और बताओ की लोगे? देना के लाला जी, थोड़ा सा सामान दे दे। अरे ये तो बता किसके देना? अरे एक काम कर, 20 रुपए की हल्दी, 10 रुपए का पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा जीरा दे दे। यू दे दे, और के देगा? ठीक है अभी दे रहा, तू यहीं खड़ा रहो, अभी दे रहा। ये तो हो गया हल्दी। ये हो गया जीरा। ये होगी अगरबत्ती, ये होगी पेंसिल, और याद कर ले कुछ और देना हो तो। अरे पेंसिल का क्या करूंगा मैं? अच्छा पेंसिल नहीं थी, कोलगेट। ये चाय के पत्ते के 3 पैकेट कर दिए, इसकी मारी इसमें 2 के साथ 1 फ्री है। अच्छा चलिए, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ लाला जी याद आ गए, 1 किलो छोले और दे दे। ठीक है छोले तो मैं दे रहा, और याद कर लेके देना। यार पाल का जाने दे, 2 किलो है, 2 के 2 ले जा। ये कम तो ना है? पूरे है पूरे, कम ना तोलता मैं। एक बात कहो चौधरी साहब, जो तुम बुरा ना मानो तो। हाँ कहे वा लाला जी, के कहे? भाई बिना लुगाई के घर चलाना बहुत मुश्किल है। हाँ यू तो तू ठीक करो। अरे मैं तो सही कहूँ, गलत कद कहूँ, और मेरे के लुगाई है? मुझे पता बिना लुगाई कैसा घर चले। लाला यू तो तेरी बात ठीक है, दुखिया की बात को दुखिया ही जाने, लोग तो तफरी उड़ावे। अरे तेरा धोरा तो तेरा बेटा मन हो जाए तेरी सेवा पानी करने वाला, और मुझे देखिए मेरा तो कोई ना आगे भाई और ना पीछे। अरे लाला ऐसी औलाद तो ना औलाद होना बढ़िया, उसने भी मैं घना दुखी कर रखे हूँ, कहूँ सुद्धा चले उल्टा। यही सोच के तो मैं तसल्ली कर लो कि मैं ही ठीक हूँ। लो सामान। लाला जी पैसे दूंगा, पेंशन आए पे लिख लिए, और सवेरे सवेरे का टाइम है बूनी कर लिए अपनी। चलो ठीक है, जय हो। अच्छा राम राम जी। राम राम। इस बात को देखते हुए तो मुझे लग रहा कि मैं ही खुश हूं, दुनिया कभी किस ढाल परेशान, कभी किस ढाल परेशान, ये दुनिया तो परेशान ही है। चलो
कहां मर रहे हो? हम तो यहीं थे। तुम तो बहुत बेकार हो यार, मैंने थारे जितना बुजदिल आदमी नहीं देखा। अरे मेरा बाप है, वो धमकावेगा भी मारेगा भी, पंजी थोड़ी थाई डाल छोड़ के भाग जाओ, सारे मतलब ही हो। अरे मनोज, हमें तो तेरे लिए एक सौदा तय करना था। बताता क्यों ना भाई राजू, आई समझ में तेरे? बतावेंगे, सारी बात बतावेंगे, तबीयत खुश हो जाएगी। अरे मुझे पता तुम क्या बताओगे, तुम पहेली तो बुझाओ ना, और तुम एक काम करो, मेरी गैल खेत में चलो, वहीं बात करेंगे चल के। अरे हम तो तेरे यार हैं, खेत पे भी चलेंगे, तू चिंता मत कर। अरे वो ना है संजीव, उसने कबड्डी का मैदान बना रखा और रोज कबड्डी खेले और रोज हार जावे। अरे तुम इन बातों को छोड़ दो, चलो मेरे साथ चलो, मेरा न्यार कटवाओ चल के। साथ भी चल रहे, न्यार भी कटवाओगे? चलो। चौधरी साहब राम राम। राम राम। अरे आ गया तू, तू भी पता ना कहाँ फिरे यार, ना तो टाइम पे को बैठाता ना रड़का मारता, तन्ने भी दुखी कर लिए मेरे यार। अजीब है केला आदमी, अरे थारे लड़के ने जी मैं भी ना बात के पिटता जी, मैं सारा काम भी करूँ जी, पिटूंगा मैनू तो जी मैं मर नहीं जाऊंगा। अरे यार तुझे तो पता है मैं तो खुद दुखी हूँ उसते, अब तू ही बता के करूँ मैं उसका। अब तू एक काम कर, तू जा आन दे आज उसे। राम राम जी। राम राम। आजा तू भी, कुछ शिकायत लेकर आया होगा? हाँ जी शिकायत लेकर आया, 40 रुपए है, 40 रुपए दे दो। अरे 40 रुपए किस बात के? अजी मनोज ने केले लिए थे उधार, बोल रहा था पिताजी से ले लिए 40 रुपए। अरे मैं ना दू पैसे, जिसने केले खाए ना वही देगा। जी थारे नाम से दिए ना तो मैं क्यों देता। देने पड़ेंगे भाई, जाओगा नहीं इतने। ले पकड़, और आगे सोच समझ के दिए उधार। ठीक है जी। तेरे ससुरे ने दुखी कर लिए हम तो, पता ना कहां कहां थे तो उधार लियो जा, इसके कारण हम तो तंग आ लिया। ऐसी औलाद था तो बे औलाद ही ठीक। आजा लाला। चौधरी साहब, जिनके औलाद नहीं होती ना वे थार तो ज्यादा दुखी है। हाँ तू भी बता, आज तो छींकते उठा था, समझ लो पता नहीं क्या होगा। अरे मैं कौन सा बुझा, देखो क्या होगा, जो तुझे नू बता दू, समझ लो क्या होगा। मैं तो अपने तगाद को आया था पैसे लेने, आज का वादा करा था तुमने। देने ही लाला जी, हमें तो देने ही है, देंगे ला। लाला जी 50 रुपए कम है। चल कोई बात नहीं, इन्हें लेके जा रहा मैं, 50 रुपए फिर ले जब मां गए। जब फिर ले दिए। चलो मेरे तो दुकान पे भी धाग बाट देख रहे। ठीक है ठीक है ठीक। अरे तन्ने गांव में अलाउंस भी करवा दिया था, कि 500 रुपए का सिल्ला आया आज। है या तो सारे को सुक्का ही सुक्का गिल्ला का है। अरे तुझे तो हमेशा उल्टी सुने। अरे खुंदक, अरे जी मेरे पे 500 रुपए का सिल्ला बोल रहा था, तन्ने गांव में अलाउंस नहीं करा था, अब डर गए मेरे दस में। भाई मैं तो मंदिर में भी अलाउंस कराया है और मस्जिद में भी कराया, मुझे तो ऐसा लगे तुमसे डर गए दिखे सब। चलो तो अब अपना गांव में चल रहे, बैठा रहेगा के बहरे भट्ट खड़ा हो जा। चले तो गांव में और के जी कोई आए नहीं, हमने तो अलाउंस भी करवाया था, मगा मारा क्या कोई जम सके के है। रुका है रुका, पूरे गांव में मगा मारते कोई दर्द तो हाथ करने और किसी को आ जाओ क्यों। अरे तन्ने गांव में अलाउंसमेंट भी करवाया, यहाँ तो कोई भी ना है। अरे अलाउंस तुझे तो सुन गया होगा, तू कर ले दर्द तो हाथ आ जा। आ लिया जाइए रे गुरु। भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। अरे शिकार के वक्त कुतिया गई, हम ही आ रहे हैं। आ जा भाई। तू ही करेगा पहले दो हाथ हटा पीछे।
हर कबड्डी 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 ढहा दिया। ओ मार ले मनोज मार ले। ये बात बड़े अजीब लोग हैं। ये दोनों लड़े जा रहे हैं और ये तमाशा देख रहे हैं, कोई इन्हें छुटा भी नहीं रहा। संजीव भाई ढाग भटक दे, मार संजीव, मार, ढाग भटक दे, मार, मार संजीव मार। अरे बड़े अजीब लोग हो तुम, ये दोनों लड़े जा रहे हैं और तुम में से कोई ने छुटा भी नहीं रहा। मार संजीव मार, संजीव भाई मार, मार। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? ऐसा है, तू बड़ा कुश्ती का है, इसमें लड़ाई नहीं, जोर देख के जा। और तू कौन है जो हमारे बीच में बैठ रही? हाँ मैडम जी, इस पाड़े में जोर देख के जा, किसमें कितना जोर है तो दिखाने पे जोर किसमें कितना है। मार संजीव मार, आगे भटक दे, मार संजीव मार, आगे भटक दे, मार संजीव, मार संजीव, मार झगड़ा कर रहे, मार संजीव, अरे अरे किस बात पर लड़ रहे, के वजह होगी? पता नहीं ताऊ जी, मैंने तो देखा ये लोग लड़ रहे थे, मैंने तो छुटाना भी चाहा पर ये फिर लड़ पड़े। ऐसा लाला, किसी के बीच में पट्टे में पानी दिया करते। और रही बात तेरी, तुझे मैं देख लूंगा किसी दिन, चल रहे। और तू लगता ढाला मेरे लाली, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बाड़ा खैर ना समझ है, तू किसका रही लाली? मैं नंबरदार जी के यहाँ आई हूँ। बताओ ताऊ जी, अब शांति तो कहीं है ही नहीं, हर जगह तो मारा मारी है। बेटी बस पूछा मत ना, जमाना बहुत खराब आ गया। अच्छा ताऊ जी, राम राम। राम राम बेटी, चल मैं भी साथ ही चल रहा। बेटी अभी दीपिका नहीं आई। हाँ माँ, लेट होगी वो। वो राम राम। राम राम। अरे कैसी है, और तेरा सफर कैसा रहा दीपिका? लेट कैसे हो गई? हाँ दीपिका, वैसे तो लेट कैसे हो गई? अरे यार क्या बताऊँ, आज तो बहुत दिक्कत हो गई। ऐसे क्या हो गया? अच्छा छोड़ दीपिका, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तू ना सफर करके आई है, थक गई होगी, चल पहले चाय नाश्ता कर ले। ए ओ भाई ओ, अरे यार रुक जा, कहाँ जा रहा तू? कहाँ मर रहा है? अरे मैं लत्ते वत्ते चेंज करके आया, जूते सारे भंड गए, आधे घर चल लेंगे। घर ही जाना? अरे आ तो सही।
लाओ चाचा इसे तो मैं छील दूं। अरे तेरे बना कटने के हैं? अरे चाचा मैं आराम से बढ़िया काटूं, दिखाओ। अरे मुझे बक्कल बक्कल तारना, तू गुद्दा काटेगा इनका? ना ना मैं बक्कल आराम से काट दूं। देख ले कभी, फिर मैं तेरा बक्कल तार दूं। बढ़िया काटूं मैं। अरे ये तेरे लत्ते कैसे सन रहे हैं? अरे तू नार लेने भेजा था, हमने बिड़तू करने भेजा था, किसका लड़काया? चाचा मैं बताऊंगा, ऊना संजीव बिना बात भिड़ गया, हम तो न्यार लेने गए थे। अच्छा रे, हमें बेवकूफ मान रहा, इसकी हालत ना दिख रही, कहीं भिड़ तू करके आया हूं? अजी मैं क्यों भिड़काता, मैं वहां हाथ बांध के खड़ा हो जाता फिर। रे रहन दे, रोज उलाने आवे मगा तेरे। हां मेरे ही आ रहे उलाने। मगा रहन दे, क्यों मेरे हाथों को दुख देवे? तुम तो खमखा की बात कर रहे हो। खमखा की बात कर रहे हम? रे न्यार लेने भेजा हुआ, तू भिड़ने गए भेजा? भेजा कह लाए थे न्यार में। न्यार कहां? अब रहेगा कहीं और, देख ले। या तो यूं न्यार लेनी था। रहन दे, तू भी ज्यादा बोल रहा, हमारे सुधरे पीटते ही दिखो तुम। ना पीटने को सारे हाथ पीछे दौड़ रहे हैं, जो उस घंटा मारते रहो तुम खामा खाई। वैसे ही मार रहे हैं हम, तन्ने हमारी जिंदगी नरक बना दी। हाँ मेरे से नरक हो रही है तारी जिंदगी। ये हमारे सुसरे कुछ करके खा ले। करता रहा हूँ। चल जा, चले जा ससुरा, हटा तुम्हें ससुरा। पूछा ना जा रहा है चाचा, मैं तो काम कर रहा, तेरा उल्टा जा रहा है ना जा रहा। तेरे ससुरे आवारा करती करते फिरो जहां सब दिन। दीपिका वैसे कल क्या बात थी, तू बड़ी परेशान लग रही थी कल। अरे मैं कल कुछ समझ नहीं पाई, अब मुझे समझा दे तू। अच्छा अरे वो मैं कल जब गांव में आ रही थी ना, तो कुछ गांव के लड़के आपस में खेल खेल में लड़ पड़े, और वहाँ पे ना सब खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, कोई उन्हें छुटा भी नहीं रहा था। तब जाके मैंने उन्हें छुटाया, और वहाँ पे ना एक ताऊ भी खड़े थे, मैंने उन्हें भी सुना दिया। ताऊ कौन थे? अरे होगा कोई गांव का रेफरी वेफरी। अच्छा होगा कोई। अरे भाई शांति तो अब कहीं है ही नहीं, एक लड़के का सर फूट गया था, फिर मैंने उसे कपड़ा बांध दिया, मनोज नाम का था कोई। अरे वो तो गांव का सबसे आवारा लड़का है, उसके पिताजी उसे डांटते रहते हैं, वो फिर भी नहीं सुनता। अच्छा जी वो इतना आवारा है? अरे कौन ना सुनता, किसकी बुराई चल रही है। अरे वही वेदपाल का मनोज। अरे उसके पहले ही माँ मर गई, उसे लखन कौन सिखाता। अरे उसका तो वही काम है, हरदम लड़ाई झगड़ा करना। अच्छा उसकी माँ नहीं है, वैसे तो वो लड़का बुरा नहीं है। अरे तू ये सब बातें छोड़, ये बता कल मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, वो कैसी लगी तुझे? एकदम चकाचक, खा के मजा आ गया। अच्छा सुन ये बता उसका घर कहाँ है? किसका? अरे वो मनोज का। अरे हमारे घर से पीछे वाला घर उसी का ही है, कभी कभी तो उसके पिताजी भी आ जाते हमारे घर जामन लेने के लिए, उन्हें दूध जमाना होता है ना इसलिए। अच्छा ये बात भी है। तुम दोनों बात करो और मैं चाय ले आऊं। अच्छा क्या एक नंबर का हरामी है वो? और बॉस, बॉस आज कोई माल पल्ले ही नहीं पड़ा। इस बात को छोड़, और मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उस्ताद तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई? हमें रात को नींद नहीं आई, पता ना इस बहरे को कैसे नींद आ गई। ओए चुप हो जा नींद के बच्चे। माल में कौन सा कमी थी? सारा दिमाग खराब हो गया सोचते सोचते। बॉस गई तो गम में ही थी, मनोज का पट्टी भी सिलवानी थी। बट्टी तो रामपाल हरके चढ़ रही है, उनके लड़की की शादी है। अरे खुंदक इसे चुप कर ले, नहीं तो इसके सिर में ईंट मार के भोपा फोड़ दूँगा इसका। कर ले से चुप, इस मुंह को बंद कर ले। अब मुंह छोड़ के मार के छोड़ देगा। अरे छोड़ते से क्यों आपस में लड़ू जाओ तुम? ओ बेरे एक काम कर ले, पैसे धर के भूल गए हम, ले 10 रुपए की नमकीन लेगा और आज ही आ जाइए, कभी उसकी क्या टक्कर मारे वहां।
लगवा। तू एक काम कर उस्ताद, पता लगा वो लड़की किसके यहाँ आ रही। उस्ताद पता लगाने की मैंने कल भी कोशिश की थी, लेकिन गई थी वो वेदपाल के मोहल्ले में। इसी बात का तो रोना है, चोट दिल पे लगी, दिल पे दर्द तो मेरे भी हो गए बॉस। बस किसी ढाल एक बार उसके धोरे सुहा दे तो, और फिर देख। और मजा लगे वो बहरस बने गया लड़का दिखे जरूर। चलो उस्ताद मैंने बना रखी बिरयानी, चलो खाते हैं चल के। बिरयानी बिरयानी खा करो तुम, चल चलो आज बिरयानी भी खा कर देखेंगे। मनोज, ओ मनोज, अरे यार तू कहाँ घूम रहा, मैं तेरे बिना परेशान हो रहा हूँ। क्यों परेशान क्यों रहा, जो कि आप बता गई यार जीना लग रहा। मैं जी लगा मोते रहा। अरे उना संजीव घने दिनों से उलझने को फिर रहा, वही ठीक करना पड़ेगा। अरे पहलवान तू शांत हो जा, अब उसे पता ना वो पंगा किस तरह ले रहा है। पता पता तो उसे अब चलेगा, जब मैं उसे उठा उठा के पटकूंगा। अरे तू छोड़ उसे, तू भी हर किसी से अड़चता फिर हो जा। अरे तो बहुत सीधा वैसे भी गाँव में यार। वो देखने में सुद्धा वैसा बड़ा हरामी है, इतने सुद्धा ना होने का, इतने तेरे मेरे हाथ के तले ना आ जा। अरे तू तो खम्मा खा की बात कर रहा, तू भैया तेरी राड है, तू अपने आप देख, मार तो पिताजी लड़ेंगे मारी गए। बस ठीक, यह है तेरी दोस्ती, हम तो तेरे लिए जान भी देते हैं, तू मार लियो इतना भी ना कर सकता। ओ भैया मुझे तेरी जान मारना चाहिए, मुझे लग रही है भूख, और भैया मैं जा रहा हूँ अपने घर, और तेरी राड तू अपने आप देख। अरे भूख को छोड़, रोटी तो तू डेली खावे, आज खाऊंगे टिक्की। टिक्की विक्की तू ही खा, मैं खाऊंगा रोटी और मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे मैं टिक्की खवाऊंगा अपनी तरफ से, पहले आज उसे ठोकले में। ठोकले तू है तो सही, तू केलम हल्का हो रहा है कि तू ठोकता रही अपने आप उसे। जब हम दो भाई हो जाओगे तो बढ़िया तो ढोंगे ना, दो और हैं उसकी एल जुल्फी सा भी। मेरे बस की ना, मेरे पिताजी लड़ेंगे, मैं तो रहूं जा। अरे सुन तो मनोज, ओ यार सुन तो ले। यू और बढ़िया, बता यार कैसा आदमी है, हम तो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, एक इस पे इतना सा काम नहीं हो रहा। आज की दुकानदारी तो चौकी होगी, एक घाक को तो मन ने ऐसे लुटा, 5 रुपया सामान दे के 100 का नोट ले लिया। भगवान ऐसे घाक रोज भेज दे। ताऊ जी राम राम। बेटी जीती रहो बनी रहो, भगवान तुझे खुश रखे। ताऊ जी सुनो तो। हाँ तू भी बोल। वेदपाल जी आप ही हो क्या? वेदपाल मैं को होता, मैं तो सेठ जी हूँ, लाले सेठ जी। तो फिर वेदपाल जी का घर कौन सा है? वेदपाल का घर तो योरा। अच्छा ताऊ जी थैंक यू। थैंक यू लाली, शहर से आई दिखे? हाँ ताऊ जी। अच्छा ठीक है लाली। इसका मतलब मनोज का घर पास में ही है। बताओ भाई, हराम खोर तो नहीं गई थी, उपड़े चिंदी है, पर पता नहीं कहां फिर है, ये भी मुझे ही करने पड़ेंगे। पक्का हरामी हो रहा है, कहां फिरे पता ही नहीं चलता। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, आ जा बैठ बैठ बेटा, हाथ धो ले। बेटी पूरा न मानिए, मेरी पहचान में ना आई, किसकी लाली तू? वो अंकल जी मैं ना नंबरदार जी घर से आई हूँ, वो मेरे फूफा जी हैं। अच्छा लाओ अंकल जी, मैं छील देती हूँ सब्जी। ना ना बेटी ना, ये तो मेरा रोज का काम है। क्यों कोई खाने बनाने वाला नहीं है?
आंटी जी कहाँ हैं? बेटी, उसे तो कई बरस हो गए। मनोज की माँ मुझे छोड़कर कोरोना में चली गई थी। मनोज? हाँ मनोज, तू कैसे जाने? अगर उससे कोई गलती होगी तो दिखे मैं तेरे से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना मैं जब गांव में आई थी ना तो मुझे रास्ते में मिला था। आपका बेटा मनोज है बहुत अच्छा। ए लाली काहे का अच्छा, उस हराम खोर के दो चार उल्हाने रोज आ जा। लाओ अंकल जी, आप परेशान मत हो, खाना मैं बना दूंगी। ना बेटी, तू तो हमारे यहाँ मेहमान आ रही है, और खाना मैं बना लूंगा तो मेरा रोज का काम है। आज मेरे हाथ का बना खाना खा लेना अंकल जी। वैसे मनोज कहाँ है? कहाँ बता दूं बेटा, उसके आने से पहले उसका उलाना आ जा, धमका भी नहीं सकता, अकेला है ना। अरे अंकल जी आप रहने दो, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, खाना मैं ही बनाऊंगी। बताओ जी, लंबरदार के साले की लड़की कितनी अच्छी है, आज तो यार अपनापन दिखा लगी। अंकल जी मैंने खाना बना दिया है, आपका भी और मनोज का भी, आप खाना खा लेना। अच्छा बेटा, बेटा तू भी खा के जी। नहीं अंकल जी, मैं तो घर से खा के आई थी, अब मैं चलती हूँ। चल ठीक है बेटा, तेरी फूफी ढूंढ रही होगी तुझे। हाँ अंकल जी, राम राम। राम राम। बताओ जी कितने बढ़िया बालक है। अरे एक मारे लायक ले, पहले खाना ही खा लियो। ये तो इनके घर जा रहे हैं, शायद इनके कोई मेहमान हो सकते हैं। चाय पानी बनानी पड़ेगी, मैं ही चली जाती हूँ, मैं बना दूंगी। अब उन नलायक भी आ जाता तो दोनों गैल बैठ कर रोटी खा लेते। चौधरी साहब राम राम। राम राम, आजा बैठ। और बता कैसे आना भैया? बैठ के जा चौधरी साहब, बड़ी मुश्किल से दुकान पे से टाइम मिले। मैं सोचा था जंगल से जाके निहार ले आता, घर में जाके देखी मनोज जी बुग्गी जोर के ले गया। अब बुग्गी को भेज दे, उसका क्या विश्वास है? ए, थारी बुग्गी? रे बुग्गी तो मारे भी खड़ी है, वो थारी क्यों ले जाता? थारी बुग्गी तो मुझे कोई मतलब ना, अब तो लेके जा रहा हूँ मैं थारी बुग्गी। अब मेरी बुग्गी दे दी और अपनी ले दियो। जी मैं तो ऐसा आ रिपोर्ट कर दूं तुम्हारे नाम पर, पड़ोसी के नाते से चुप रहना पड़े। देखे लाली रोज उल्हाने आवे ऐसे, तो हमारे पड़ोसी बढ़िया हैं, लिहाज करें हमारी, पर ना हमारे रोज सिर फुटे उसके कारनामों पर। वैसे अंकल जी वो किस टाइम आता है घर पे? बेटा उसका कोई टाइम नहीं आने का, वो मरा सुधरा आवे आवाजा, पर ना आवे वो रात लो भी ना आवे। अब तू ही बता बेटी, मैं के करूं इसका? अंकल जी आप चिंता मत करो, बस मिलने दो उसे। अच्छा अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। जय श्री राम। संजीव भाई देखो वो आ रही है, बताने वाले ने ठीक बताया। उसी के गई होगी जालिम, आन दे। सिम तो ठीक चल रहा। अरे ऐसे बहरे भटकू क्यों लाग रहे हैं तू, इसके कान पे मार दे। लड़े को चल भाई, इसका
बड़े चक्कर लग रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। हम भी तो इसी गांव में रहे। हराम जादे, हाथ छोड़ मेरा। उस दिन अकल ठीक ना हुई तेरी। संजीव भाई ने के बिगाड़ दिया तेरा, हमें भी पता चले। सही कह रहा हूँ। अच्छा मैं बताऊँ क्या बिगाड़ दिया। पिछो अब चला कुछ पता, कुत्ते कहीं भी खड़े हो जा। मैं संजीव भाई तेरे चोट जाने लगी दिखे। अरे ना गुम लगी है तो पर जा देखवा जरूर। रुक जा, कहां भाग रहा अभी तो। वेरी सॉरी मनोज जी, आपको लगी तो नहीं। काहे की सॉरी, तेरी आंख फूटी। आगे मार दी हम करें फिर हमें ऊट शुद्ध बताओ। मैं पिताजी एक तो हरी मिर्च दे दो। खाना कैसा बनाया मनोज जी? खाना तो बहुत बढ़िया है जी। कभी कदाप पिताजी खाने में तो इतना गजब कर रहे हैं, इतना गजब कर रहे हैं कि बस पूछो ही ना। वैसे ये गजब मैंने ही किया है। हैं? तन्ने करा है? वैसे अंकल जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे वो। पिताजी तो प्रधान जी के यहाँ गए किसी काम से। अच्छा, दरअसल मैं तो आपसे माफी मांगने आई थी। वो उस दिन मैं आपको ईंट नहीं मार रही थी, मैं तो उनको मार रही थी। आप बीच में आ गए और आपको लग गई। ऐसा कुछ ना, मैं तो लगती है छोटी मोटी चोट तो। अरे तुम बात तो छोड़, ला रोटी खा, आलू गोभी की सब्जी है। तुम कैसे खुश हो रही हो, कोई बात है क्या? एक बात पूछो आपसे। हाँ पूछ। आपकी शिकायतें बहुत आती हैं। उल्हाने तो जाती रहेंगे लाला जी, जिन्ने पे गिर पड़े हैं। बुग्गी तो मारे भी ही, पर मैं जल्दी जल्दी में उसकी बुग्गी जोड़ के ले गया। न्यू उल्हाने आए मेरे। पर जब वो बुग्गी वाला उल्हाने देने आया था ना, मैं खाना बना रही थी, मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा। बता तो रहा हूँ लाला जी गिर पड़े हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, अंकल जी के सामने फिर आऊंगी, मुझे माफ कर देना। तू की चलेगी, अब तो मन सा लगा बात करने में। अजी दीपिका जी इसमें बैठ जाओ। हाँ इधर से आ जाओ ना। बैठ जाओ। चलो इन कुत्तों का यूं इलाज है जी जो तुमने करा है। काम तो आपके भी अच्छे नहीं है मिस्टर मनोज। मैंने क्या कर दिया ऐसा? ये बुग्गी आपकी है ना? बुग्गी तुम्हारी ना आई, ये लाला जी के चोट लग गई है और ये चाचा की बुग्गी है तो मैं से जोड़ लाया। आप उनसे बिगर पूछो उनकी बुग्गी लेके चले गए। वो इस बात का उल्हाने लेके आपके घर गया और आपको पता है आपके पिताजी कितने परेशान है। अरे लाली मैं जिन्ने में गिर गया था और यो बुग्गी लेके मुझे डॉक्टर के दिखाने लाया। मुझे टाइम ही ना मिला उन्हें बताने का। मैंने सच्ची बुग्गी खड़ी है, 10 मिनट की बात है लाके खड़ी कर दूंगा। ये बात मुझे कैसे पता चली, ये नहीं पूछोगे आप? हाँ यू बात तो है, मैं आपके घर गई थी, ये सारी बातें मेरे सामने हुई है। हाँ गलती तो है पर मेरी। अब जाके माफी मांग लेना और उनकी बुग्गी दे आना और अपनी ले आना।
रुको मनोज, मुझे यही रोक दो। क्यों क्या हुआ? मुझे यही उतरना है, मुझे यही काम है। ठीक है, और उनकी बुग्गी दे आना। ठीक है, मैं दे आऊंगा। दादाजी तुम लौट जाओ ना, पहले तुम्हें घर छोड़ दूं, फिर उनकी बुग्गी दे आऊंगा उन्हें। चल चल। हाँ भाई, अरे साहब कहाँ फिर है तू? अरे खेत में तो नार भी आना है। और हाँ, कल तू बदले की बुग्गी क्यों लेगा बिना बतायो? मैं उसकी बुग्गी नहीं लेगा लाला जी, जिन्ने पे तो गिर पड़ी उनके लगी चोट, बदलों की बुग्गी खड़ी, मैंने सच्ची से जोड़ के ले जा। अरे मारे ससुरे, कोई काम ढंग का भी कर ले कर, जिसका उलहना ना आवे। ऐसा क्या कर दिया जो थारे द्वारा उलहने आ रहे हैं? रह रहन दे तू, मका मतना मेरे हाथों को दुख देवे। देखो चौधरी साहब, इस थारे लड़के ने मरे संजीव पे इट मारा, सिर फोड़ दिया, क्या बिगाड़ा था ना थारा? अरे भाई तू पहले बैठ, बैठ के बात करेंगे। वो तो मुझे मिला भी ना, और मैं क्यों फोड़ता उसका सिर? मैं तो लाला जी को लेकर डॉक्टर के आया हूँ। वाह चौधरी साहब, मारा ही सिर फोड़ दिया। अरे मैं आगे बता रहा, अगर यह बात आगे बढ़ गई तो सिर फुटेगा नहीं यहाँ। अरे ये तो ना कर रहा है, यूं करा वहां था भी नहीं हूँ। इसके ना करने से क्यों हो? चोर को तुमने कभी नहीं करता सुना, अगर मैंने चोरी नहीं करी। हाँ यू बात तो तुम ठीक कह रहे, चोर कद क्या है, मैंने चोरी करी है, पर तुम उलहाना देने क्यों आगे? ए बेटी तू बीच में ना पड़े, यू हमारी आपस की राय है। अजी वो राड़ तुम्हारी ना, वो राड़ तो मेरी ही, मैं तो इन्हें देख के आई, और तुम अब हमारी भी सुनो। हाँ तू भी सुना। आपके बेटे ने मुझे रास्ते में छेड़ा था और ईंट मैंने मारी थी उसे, आप इसको क्यों कह रहे हैं? रही बात गांव में फैलने की तो क्या हो जाएगा, चल दे उलहाना देने। ए बेटी तू मेरे पास हाथ जुड़वा ले, तू चुपचाप खड़ी रह। वो जहाँ भी मुझे मिला है ना, कुत्तों की नजरों से देखा है, किसी दिन मेरा मौका लग गया ना तो उसे चीर फाड़ दूंगी। अरे तू जा अपने घर। अरे समझा लिए तू उसे भी, ये काम बच गया ना। अरे ओ मनोज जा तू नार लिया। इसने देख कादिया छेड़ते हुए गली में खड़ा, 20 आदमियों ने देखा उसे, और उसे समझा लियो अन्नी, मैं सुधार दूंगी उसे। तुझे भी गाना बोल लगा दिखे, तुझे भी देखेंगे हम। अरे जा चला जा यार तू भी खाने। हाँ बेटी अब तू भी अपने घर को जा, और देखे छोटी छोटी बातों पर लंबी राइड हो जाएगा रे, बात को बढ़ाई नहीं करते, माटी गिर अब सारी बातों पर। बस अंकल जी यूं ही तो कमी है, चोर को चोर न कह मैं और क्या कह मैं, और तुम तो खामो खा डरे जाओ, ऐसे ना कोई घोल के पी जावे। अरे लाला जा एक गिलास पानी ले। ओ मेरी छतरी के नीचे आ जा, तू भी गया कमला खड़ी खड़ी। अरे कुछ पल्ली पल्ली नहीं लगा के धरती में बैठा हुआ? पट्टी पट्टी तो तेरा हकीम बंदा का, वो भी दो दो। मैं जी में ऐसा होता तो मौका मारूं। अरे खुंदक इसे बैठा दे, नहीं तो इसकी पट्टी सी भी बांध दूंगा मैं। अरे बॉस इसकी छोड़ो, सामने देखो मेरी धूप निकल रही है। ओहो बॉस बाल चंगा है, आओ चलते हैं। बस मैं चंगे है चल के दिख तो रहा तुझे, सुने एक अबे बेकस से पट्टी बता रहा था बंधेंगे, चल आ। अच्छा मैडम जी थकी होगी, थोड़ा सा आराम कर लेते बैठ के हमारी ट्रेन पे। अजी मेहमानों का खातिर करना तो हमारा फर्ज है। हाँ अच्छा, कल की मार भूल गया दिखे? ना ना कल की बात नहीं भूलना मैं, कल की बात थारी मारे सिर माथे में, बैठ कर आराम कर लेते थोड़ा सा। हराम जादे ऐसा रहपटा मारूंगी तेरे मुंह पे, मुंह तिरछा हो जाएगा तेरा, शर्म लिहाज तो तुझे रही ना। अच्छा हसरी पे मारने का बहुत शौक है तुझे,
लेकिन मुझे भी लड़की छेड़ने का बहुत शौक है। अरे बचाओ, कौन बचाओगे? अरे बचाओ मैं। तुम परेशान मत हो, तुम जाओ अपना काम करो आराम से, जाओ तुम, मैं हूं यही। आओ रे, तुम भी अपना काम करो। पग्गी को देख, पीछे क्या देखती रहे तू बार बार, घर नहीं चलना। यार सच्ची बताऊं, मुझे तो इससे प्यार हो गया। चल सुनो तो सही, मुझे यूं तो बताओ तुम यहाँ क्या लेना आई? हम तो यहाँ साग तोड़ने आए थे। और हमें क्या पता था वो बदमाश हमें यहाँ मिल जाएगा और हमारा दिमाग खराब कर देगा। अजी साग तो हम पहुँचा देते, तुमने क्यों तकलीफ करी ही? अरे हमने तो सोचा था थोड़े दिन गांव में घूम लेंगे, खेत खलियान देख लेंगे, थोड़ा खान पान बदलेंगे, पर यहाँ का तो नक्शा ही बदला हुआ है। अजी सुसरे का दिमाग खराब है, यू सारा दो चार बार पिटेगा और यू ठीक हो जाएगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे तुम क्या कर रहे खेतों में? हम तो यहाँ यार लेना आए हैं, सारा रोड़ा रुक का सुन के हमारे भाग्य चले आए। ये तो अच्छा हुआ। तुम गांव में तो जान दो, वहाँ जाके हंगामा करेंगे। और तुम एक काम करो, तुम साग तोड़ लो, हम दो मुट्ठी नियार काट लेंगे। अच्छी तुम क्यों चिंता कर रहे हो, साग तो हम तोड़वा देंगे। तू टाड़ी कर, तू चल मेरी कल नियार कटवा, तुम तोड़ लो जी जाके। ठीक है। दिव्या जल्दी जल्दी साग तोड़ ले, गांव में हंगामा हो रहा होगा। हाँ वो तो बहुत आराम है, वो तो अच्छा हुआ हम घर पे बता के आए थे, वरना घर वाले पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचते। पिताजी को पता चलेगा ना तो इन्हें छेड़ना बुलवा देंगे वो। ये लड़का कुछ जादी बन के दिखावा है, अभी तक किसी के लठ के नीचे को ना निकला। अगर मनोज ना आता ना तो ये झगड़ा बड़ा हो जाता। जी मैं तो मेरे भी आ रहा ससुरों में चप्पल बजा देती। ए मुझे तो फिक्र से चढ़ रहा। जा परे को, हिम्मत होनी चाहिए बुजदिल दिल की। सारा मोहल्ला इकट्ठा कर रखा होगा उसने। कर लेन दे, जब हम बतावेंगे ना ससुरे भागते पावेंगे। और मनोजर भी तो आ रहे घास लेके। अरे उसका कोई विश्वास ना करता गांव में,
बढ़िया लड़का, अकेला जो अपने घर में, अकेले तो ऐसी हूँ मैं। ले ये साग चुन्नी में धर ले, अब घर को चल रहे। चल चल इधर को चल रहे। अरे ताई, अरे ताई, ओ ताऊ, ओ ताऊ, अरे ताई, अरे ताई, ताऊ कहाँ है? क्या हो गया, क्यों अलग पाड़ रहा? ताई संजीव पीट दे मनोज ने खेत में। उसकी इतनी हिम्मत, क्यों मेरे छोरे का मर है? हाँ ताई। अजी सुन रहे क्या, कहाँ रह गए, जल्दी आ जाओ। क्या हो गया, मचा रखा? मनोज ने संजीव का मार दिए। ताऊ बदला लेना है चाहे खोपड़े फूट जाए। बेटे चिंता मत कर, उन्हें तो मैं सब शिकम्मा, उनकी आने वाली पिट्टी भी लंगड़ी पैदा होगी लंगड़ी। तूनू बता लल्ला, संजीव है कहाँ? नहीं वो तो वहाँ बैठा, सुधीर पंडित जी की ट्रेल पे, उसका सिर में ज्यादा चोट है, उसका सिर फूट रहा। तू एक काम कर, तू तो संजीव को लेकर डॉक्टर का जा, उसके मरहम पट्टी करवा के ला। और तू एक काम कर, अपने यार को सबको बुला, आज भी तो पहले घरों चल के पीट रहा था मनोज को। चला चलो। एक काम कर, एक डंडा तू भी पकड़, आज उस चौधरी की चौधराहट काटनी मुझे। आज भी तो पलट ढंग बिठा कर छोड़ ना, आज फिर डंडा बजाऊंगा, सर फाड़ दूंगा। साड़ के पिछवाड़े में तो बल्ला दूंगा, नन्नी याद आ जाएगी। ठीक है, आज डंडा बजाएंगे तगड़ा। उसकी इतनी हिम्मत, उतना भरे लमड़े पाठ ठाया जी, आज डंडा बजेगा। ये भी डंडा है हम लोग कोर्ट जगह, आज सिखा देंगे हम उसे। कैसे हमारे बालक को हाथ उठाया जा? ठीक है ताऊ, दिक्कत ना मान लो तुम। ठीक है ताऊ, आज उसके हम धज्जे उठाकर छोड़ देंगे। बेदपाल, 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 बेदपाल। बेदपाल, 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 बेदपाल। ये बात लाला जी, सब ठीक ठाक तो है? चौधरी साहब ठीक कुछ ना है, रामू लालू सामू तुम्हें मारण को आ रहे, सारे कट्टे हो गए। एक काम करो, तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। मैं घर छोड़ के कहाँ चला जाऊँ, और क्यों आ रहे हैं वे यहाँ? तू क्या कर रहा है, गड़ी टड़ी ब्रश टल जाए, और वे तो ज्यादा गुस्से में है, अब तो मैं लाठी डंडे लेकर आ रहे। चौधरी साहब मैं तो दुकान पे था, जब विजय इस बात का पता चला मैं तो भागा चला, इस बात को बताने को तो मैं सीधा थारा धोरे आ करूंगा। अरे जो होगा देखा जाएगा लाला जी, पर यही। और वो मनोज कहाँ है? मनोज तो खेतों पे जा रहा है। वो खेतों में गड़बड़ हुई कुछ, अब मेरे साथ चलो। अरे मैं ना जा रहा कहीं भी, जो भगवान को मंजूर है सो ही होगा, अब तो देखी जाएगी। चौधरी और मैं तो चलो, मेरी तो दुकान खुली पड़ी। पता ना भाई ऐसा क्या होगा खेतों पे। बेदपाल, ओए बेदपाल, बेदपाल, अरे बात है, क्यों आप तो बाहर हो रहे हो? बेदपाल, इस गांव में आग लगवा के चैन पड़े की तरह। उस संजीव को देख, तेरे बेटे ने क्या हड़ बना दिया? लाओ देख के रहे बोडा सिर। अरे देख क्या रहे, पकड़ो से, पकड़ो। खबरदार, एक कदम भी इनकी तरफ बढ़ा दो, अपने गिरेबान में झपके भी देख ले। प्रधान जी, हम पीछे मत आओ, इनका यहाँ रोज रोज का काम हो गया, आज हम इसे किसी कीमत पर छोड़ दें, पकड़ो इसे। बलराज, होश में आके बात, मुझे सब पता चल गया, गलती तेरे संजीव की है, समझे? तो प्रधान जी, ये बहरा बनते ही आया, गलती हमारे लम्बे की ना, तुम तो खमे खा।
तरफदारी की बात कर रहे हैं इनकी। बल्लाज मैं किसी की तरफदारी कभी नहीं करता, मुझे पूरी और पक्की सूचना मिल चुकी है और मैंने खुद इंक्वायरी की चीज की, गलती तेरे बेटे की थी। देख बल्लाज, मैं हूँ ग्राम प्रधान, मैं कभी किसी के पक्ष में नहीं बोलता, मेरा काम है इंसाफ करना। अब तू मेरी बात मान, चुपचाप अपने घर चला जा, इसी में फायदा। प्रधान जी, हमारे यार तो जख्मी पड़ा है, जब तुम आए यहाँ पे तो बात करो इंसाफ की। इंसाफ का असली पता जब लगेगा, जब दोनों पक्ष मेरे सामने होंगे। फिर ये मैं कल गांव में मीटिंग बिठाऊंगा, जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसको सजा दूंगा, ठीक है? फिलहाल तुम मेरे कहने से चले। चलो ताऊ जी, एक बार प्रधान जी की बात मान देख लेते हैं। ठीक है, चलो चलो। प्रधान जी, अच्छा नंगों ते पाले पड़ा, तू तो तम आ गए टाइम पे, ना पता ना ये सूसरे के हाल करते। वेदपाल भैया, मैं इनको आज से नहीं जानता, निहायत ही बदतमीज है ना। और उसका जो लड़का है ना, वो संजीव नाम का, वो तो ये समझ के बिल्कुल कुत्ता परिवर्तित का है। सारी गलती उसी की है, मुझे खूब पता। और हाँ, पिछली बार जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, मेरे खिलाफ उसने बहुत बड़ी षड्यंत्र बनाया था, लेकिन मेरी जान पहचान अच्छी थी। और फिर वैसे भी जीत तो ईमानदारी की होती है, इसलिए मैं ग्राम प्रधान था और मैं हमेशा इंसाफ के साथ। आप अपनी जगह ठीक हो तो मैं आपके साथ। हाँ, अगर गलती तुम्हारे बेटे की पाई गई तो मैं शायद आपके पक्ष में बोल नहीं पाऊंगा। गलती उसकी होगी ना, बड़ी महफिल में सजा दूंगा, ठीक है? घबराओ मत, मैं साथ हूं, आराम करो आप। ठीक है प्रधान जी, ठीक है। कहां डूब के मरूं, छोरे ने तो महाराज जीना मुश्किल कर दिया। आन दे आज उसे। राम राम बेटा, राम राम। आजा बैठ और सुना, कैसा आया? चाचा 1000 रुपए चाहिए थे। 1000 रुपए मिल जाएंगे, फिर क्यों दिक्कत मान रहा? रे ओ नवाब, कहां जा चुपचाप बैठा? रे मेरे ससुरे कोई दिन ऐसा भी है जो तू झगड़ा ना करता हो? तुझे पता आज तेरे कारण मेरी इतनी बेइज्जती हुई है? इससे अच्छा तो ससुरे तू होते ही मर जाता। ऐसा क्या कर दिया मैंने, होते ही मर जाता। चाचा इतना भी गलत ना मनोज, पिताजी मेरी बात तो सुनो, मेरा विश्वास तो करो तुम। मारे ससुरे के सुनू तेरी और के विश्वास करूँ तेरा? पूरे काम में तेरा कोई विश्वास भी करे है? कोई ना करता जान दो, पर तुम तो करो मेरा विश्वास। मक्का चले जा मेरी आंखों के थे। अब ना कर दे तुम ऐसे। बच्चा खड़ा ही रहेगा, जाओगा नहीं तू हत्ता। चल जा मक्का, चले जा जा, चले जा ना लाक। ऐसा मत कहिए अंकल जी, आपको सिर्फ वो पता है जो इन्होंने बताया है, हमारे साथ जो हुआ है उसका तो आपको अंदाजा भी नहीं है। देख दीपिका बेटी, तू मेरी धर्म की बेटी है, तू नहीं जानती आज वे मेरी कितनी बेइज्जती करके गए हैं। इससे अच्छा तो सुथरा होते ही मर जाता। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो अपनी बेटी की बात भी तो सुनिए। अंकल जी, हम तो साग लेने गए थे और खेत मारा और गांव मारा, हम तो रोज जावेंगे। और उन कमीनों ने हमारे साथ बदतमीजी करी और हमारे साथ हाथापाई भी की। फिर हमने शोर मचाया, बचाओ बचाओ बचाओ। जब हमने शोर मचाया तो इन्होंने आके हमारी इज्जत बचाई, हमारे गांव की नाक कटने से बचा ली इसने। ये तो वहाँ देवता बनकर आया था और आप इसे ही घर से निकाल रहे हैं। अंकल जी, जो बात है वो सच सच बता दी मैंने। और वे तो गांव में बदनाम करते फिर रहे हैं इसे। पता तो उन्हें अब चलेगा, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और मनोज जी, अगर आज आप ना आते या तो हम उन्हें मार देते या खुद मर जाते। आप अंदर चलिए। पानी का पानी तो अब हुआ है। और हाँ, रही बात रिपोर्ट की, रिपोर्ट तो मैं करूंगी।
हाँ भाई, वेदपाल तुम्हारा ही नाम है क्या? हाँ जी, मैं ही बदनसीब वेदपाल हूँ जी। दरोगा जी, आप बैठो, बैठ के बात करेंगे। बैठ तो गए वेदपाल जी हम, लेकिन ये बताओ तुम्हारा लड़का कहाँ है मनोज? दरोगा जी वो तो कहीं बाहर गया, पर न्यू तो बताओ मामला क्या है? मामला यू है, तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना है। आ गया समझ में? अजी दरोगा जी, हमारी कोई गलती ना है, जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई ना असली गुनहगार तो वही है। अच्छा, ज्यादा होशियार बन रहे है, जो भी कहना थाने चल के कहना, चल मेरे साथ थाने। दरोगा जी ठहरिए, ये थाने नहीं जाएंगे, मैं चलूंगी आपके साथ थाने। ये तो इस गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं चलूंगी और मनोज चलेगा, इनका क्या दोष है? दोष या तो वो लोग हैं या मैं हूँ। मुझे चलिए थाने लेके, मैं चलूंगी आपके साथ थाने। ठीक है, चलो थाने। एक मिनट, आप 2 मिनट ठहरिए, मैं अभी आई। देखो जरा ये लड़की कहाँ गई है। जी सर, अभी देखते। ये लड़की कौन थी? पड़ोस की है जी। सर आ रही है वो लड़की। अच्छा दरोगा जी, सब कुछ इस रिपोर्ट में लिखा है, या तो आप इसे यहाँ रिसीव कर लीजिए या फिर थाने में। दरोगा जी आप काफी देर से खड़े हो, बैठ जाओ, बैठ के बात कर लो। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। दरोगा जी, हम किसान आदमी हैं, हम अपने खेत पर गए थे किसी काम से, जब इस संजीव नाम का बदमाश वहाँ आके हमारे साथ बदतमीजी करने लगा, हमने अपनी सहायता के लिए आवाज लगाई, तभी इनका बेटा मनोज आया और उसने हमारी मदद की। अच्छा ये बात है। दरोगा जी ये तो वही वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पकड़ना आपको उन्हें चाहिए और आप इन्हें पकड़ रहे हैं, बचाने वाला दोषी और जो दोषी है आप उसे निर्दोष बता रहे हैं। अरे भाई दीवान जी, ये तो बहुत उल्टा केस लगता है। सर अगर लड़की की आबरू खतरे में है तो बचाने वाला दोषी कैसे हो सकता है? ये मेरी एप्लीकेशन है, इसमें मेरे सारे बयान है, या तो आप इस पे कार्रवाई कीजिए वरना मैं एसपी साहब के यहाँ चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम एसपी साहब के यहाँ मत जाओ, मैं आपके एप्लीकेशन में पूरी कार्रवाई करूंगा और जो दोषी है उसको सजा जरूर दूंगा। यदि आपने इंसाफ नहीं किया ना तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, मैं सीधे सीधे योगी जी के पास जा रही हूँ, बता रही हूँ आपको। जी दरोगा जी, ये लड़की एकदम सच बोल रही है और वैसे भी बेचारी है तो इस गांव की मेहमान है। ठीक है प्रधान जी। दरोगा जी मुझे तो अभी पता लगा है आप आए हैं, ये लड़की 100% सच बोल रही है, वो लोग तो एक नंबर के गुंडे बदमाश हैं, इस गांव में कायदे में रहने लायक भी नहीं है। आप उन्हें अरेस्ट करो और सख्त से सख्त सजा दिलाओ, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ। जी प्रधान जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जो हमें रिपोर्ट मिली है वो सब गलत लग रही है मुझे। दरोगा जी अब तो ये सब देखना आपका काम। प्रधान जी आप टेंशन मत लो, अगर दोषी हुआ तो साला जेल जाएगा पक्का। जी और हम कार्रवाई पूरी सख्त सख्त करेंगे, ठीक है आप टेंशन मत लो। चलो दीवान जी। वेदपाल भाई साहब, दरोगा जी बहुत ही अच्छे आए बेचारे, कार्रवाई बिल्कुल करेंगे और इंसाफ करके दिखाएंगे, आप चिंता मत करना बिल्कुल। ठीक है मैं अब चलता हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अच्छा अंकल जी अब मैं भी चलती हूँ, नमस्ते। अरे बहरे नू बता, दरोगा उनके घरू गया कि नहीं गया? डर तो इनका सालों का पूरा बैठ रहा, लुकते फिरते अंडे संजय भाई। यू किसी दिन मरवा का छोड़ दे, इसका लात मार दे और ऐसी मार दे जो अस्पताल में पड़े जाके। बस संजीव भाई, वेदपाल तो हमने घर से उठा लिया था लेकिन प्रधान ने बीच उतार करा दिया। यू प्रधान भी नेता बना फिर है, भूल गया दिख रहा है यू, इसे जितवाया भी तो हमने ही था। बस संजीव भाई वो लड़की भी उनके घर आ गई। फिर क्या होता, फिर तो खुंदक बताओगा। दरोगा जी को हल्का बयान दिया उसने, मेरा साथी वही था, मामला लड़की बाजी का बना दिया। मुझे तो नू लग रहा पहले से लड़की का इलाज करना पड़ता, दिखे मुझे तो वो कुछ या ना हो या मेरे पे खुर भी चटवा के बैठेगी।
पहले चुप बैठा रहो। इस समस्या को याद करूं कहा था जी पेड़ पे कुछ आप बताओगी मुझे याद करिए। फिर कद याद करोगे फोन मिलाता हूं भी। बात नहीं हो रही। बात नहीं हो रही तो भैंस छोड़ दे। उल्टे बोल लगा जीप भी बोल लगा भैंस छोड़ दे। मैं सी छोड़ दे मैं सी जे मैं सीजे। बाजी बाजी बर सही गए भैंस बता रहा भैंस छोड़ दे। एक बांदा भी कितना कैड़ा काम है। अरे तुम यहां बैठे हो दोनों मैं यूं कह रहा हूं। हां मेरी गल थोड़ी एक बंदवा दो यार। अरे एक तो हम बंदवा देंगे पर पहले शहर चल गए देखे लत्ते भी खराब हो रहे लत्ते ले आऊंगे। अरे एक तो बहुत बढ़िया बांदा है। एक तो मैं बांध दूंगा पर यू बताओ जलेबी खिलाओगे। अरे तेरी पसंद भी मिठी है। अरे मीठा बहुत खावे है तू सुक्का वैसे ही पड़ा देखियो। ठीक है तेरी जलेबी पक्की। अरे पक्की कहाँ हमारी जलेबी तो हंसी में उड़ा दी। अरे हंसी में ना उड़ाई पक्की कर तो दी मनोज ने। मनोज अरे दीपिका की आवाज सी आ रही। अरे उहरी आन देना पीछे। अरे वो आ चुरी आन देना पूछ लेंगे। दीपिका अरे हमें भी गन्ने ला दे गन्ने के रस की खीर खानी है। अरे तू खीर की बात कर रही है कल वाला मामला तब लो दबाना है तू फिर खेत में आ ली। तू एक काम कर तू घर जा और तुझे मैं वही गन्ने भिजवा दूंगा। अरे रही बात गन्ने की हम तो रसी भेज देंगे खीर की निया। ओए मुझे गन्ने चूखने भी तो हैं और गाँव माँ के गन्ने ना चूखे तो गाँव माँ आने का फायदा क्या। हाँ जी ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अरे बढ़िया जी बात कर रही है। अच्छा ठीक है तू मुझे गांड चुसवा दे। अरे तुम जाइयो लाइए तोड़ के दो गांड छिनिया। ओए गन्ने का तो सिर्फ बहाना मैं तो तुझसे मिलने आई। हाँ तो मिलना मेरे से मैंने भेज तो दिए दोनों गांडे लेने आज मिल। अरे एक बार बाहर को लिकट के देख लो कोई आ रहा कि नहीं आ रहा। बस इवले तो कोई नहीं आ रहा अभी तक। आज का दिन ही खराब जाता दिखे। और लग रहा है केला है केला ठीक है अति दाब लियो ठीक है। हाँ भाई आ रहा है गा रहा या तो सुखता का है गा रहा। दिल्ली बोला उल्टे बोले रे कौन हो कौन हो तुम कौन है हम ये नहीं बताया करते जो तेरे पे है जल्दी काट। अरे मेरे कुछ ना मेरे पे पकड़ो रे। अरे है कैसे नहीं तेरे पे तेरे पे तो बहुत कुछ है। चला सिले रस्की चला सिले रस्की काट काट छोड़ सर काट के ले रहा हूं है कुछ फोन जी हैं फोन चल भाग भाग जा जरा कुछ नहीं मार पे दूसरा कहां है 500-400 तो बिक जाएगा दर्जे में। एक काम कर फिर चलो वहीं।
मनोज भाई आगे गुंडे लूटपाट कर रहे हैं, तुम वापस चलो। आगे लूटपाट कर रही है, तू सही कह रहा दिखे यार, आगे राजनी हो रही है। अरे गोली भी चल गई, तुम एक काम करो तुम वापस जाओ। अरे तू निकल जा और मैं जा रहा हूँ वहाँ। ये तो बड़ा बुरा गांव है, दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है, हम तो चले हैं घर को। हाँ हाँ ठीक है तुम लेकिन जाओ। मनोज अरे लेकिन वकीन कुछ ना, तुम जाओ जा रहे चल। बॉस तो बहुत देर होली तुमने आने का कोई भी। सही कह रहा तू, चल कहीं और देखेंगे। हेलो हाजी, आवाज सुनी कहाँ से आ रही है? हाँ जी सुनी है, आगे तो आ रही है जी 12 पे, तो चलो मैं बताऊं। चलो बैठो गाड़ी में हमारे साथ चलो। देख वो गाड़ी आ रही, उस गाड़ी को रुकवाते हैं। हाँ है? रुकवाते हैं। मैं रुकूंगा। बस क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनोज है जी। क्या करते हो तुम? मैं तो जी भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। शाबाश, तुम जैसे नौजवानों की हमारे इस पुलिस विभाग को जरूरत है। वैसे तुम बहुत बहादुर हो। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है। प्रधान जी राम राम। राम राम बेटी बैठ। तू तो बहुत बहादुर बेटी है बेटा, तेरे बारे में सुना है मैंने गांव में। प्रधान जी या फूफा जी आए थे क्या? ना बेटा वो तो यहाँ पर आई ना। प्रधान जी राम राम। राम राम बेतपाल भाई, क्या हाल है? बेतपाल भाई मैं तो आपको याद ही कर रहा था, आपके बेटे मनोज ने इस गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, वो कारनामा किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन इस कारनामे में मैं इस बेटी का भी सिर हो गया। अरे प्रधान जी, ऐसी बेटी जिस घर में पैदा हो जाए ना वो तो घर ही स्वर्ग बन जा। और यू बेटी जिस दिन से इस गांव में आई है ना उस दिन से तो हम भरपेट खा रहे हैं, हमें रोज ताजा बना के खवा रही है। प्रधान जी बैठो, बेटी बैठ जा। अंकल जी आप तो बिना वजह मनोज को लेकर परेशान होते हैं, मनोज तो बहुत अच्छा लड़का है और आज देखिए सारे गांव वाले उसे सर आंखों पर रख रहे हैं, आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा? बेटी कह तो तू भी ठीक रही है और उसकी गैल गैल सारा गांव तेरी भी बड़ाई कर रहा और एहसान मान रहा तेरा। बेतपाल भाई दरोगा जी भी आने वाले होंगे, उनसे भी मीटिंग होनी है ना, चले। चलो जी। बेटा तू एक काम कर, तू अपने घर जा। ठीक है प्रधान। वेदपाल भाई एक बात तो है, ये बेटी है बहुत बहादुर, बहुत बहादुर। बलराज अब तुम अपनी बात कहो। दरोगा जी
अगर हम गाँव में रहने लायक नहीं है तो छोड़ते हम गाँव को। बल्लाज इधर उधर की बात मत करो, ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में बिल्कुल सच बोलो तो फैसला आराम से हो जाएगा। प्रधान जी हमारे लड़के को तो फंसाया गया, हमारा लड़का दोषी ना है, दोषी तो ये मनोज है। नारे बलराज पंचायत में खड़े होगा झूठ मत बोल ले, मनोज का क्या मतलब, ये तो दूसरे को बदनाम करने वाली बात है, ये बात तेरी सरासर गलत है। गलत कैसे है, पुलिस मनोज ने बुलवाई, गड्डी में जो भी अटका गया, संजीव को भाग के इसने पकड़ा, ये बात मुझे देखने वाले सब बता दी। बताओ प्रधान जी हमारी गलती क्या है। बल्लाज ये जो रोज तेरा लड़का लूटपाट कर रहा है क्या वो भी गलत है? बदमाश को तो बदमाश ही कहा जाएगा, इसने रास्ते में लूटपाट करके सारे गांव को बदनाम कर रखा। इसका जवाब दे बल्लाज, बात तेरी भी सुनी जाएगी। ये क्या बताएंगे आपको प्रधान जी, मैं बताती हूँ, मैं इस गांव की मेहमान हूँ और जब मैं इस गांव में आई थी इनके बेटे ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी, वो तो एहसान है मनोज का जो उसने मेरी इज्जत बचाई। ठीक कह रही है तो बेटे। हाँ बल्लाज बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्यों भाइयों? हाँ प्रधान जी आप सही कह रहे हो, इस लड़की ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। आज ये फंस गए तो इन्होंने पंचायत बुला ली, धनवा का मेहमान लूटा इन्होंने, उसकी घड़ी चैन मोबाइल वगैरह सब लूट लिए। प्रधान जी हमारे यहाँ नायिका चिट्ठी लेकर आया था, इनके लड़के ने वो भी नहीं छोड़ दिया, वो भी लूट गया। और बदनाम कर रहे हैं ये मनोज को, मनोज से ज्यादा शरीफ इस गांव में कोई ना है। हाँ कितना शरीफ है ना यो, सारा गांव जाने से और जितना बढ़िया है ना तो भी आकर फिर इससे मुँह तो बार बोल ली। प्रधान जी किसने बुला था पंचायत में? बल्लाज मुँह सवाल क्या बात कर, ये ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत में तमीज से बात करनी चाहिए। प्रधान जी इनमें तो इतनी भी अकल ना है कि पंचायत में कैसे बात करी जा। बेटा मैं माफी मांग रहा हूँ, इसको तो तमीज है ही नहीं बोलने। तमीज तो इसे हम अभी सिखा देंगे प्रधान जी, दांतों के भूत बातों से न मानते। प्रधान जी हम बदमाश न है, हमें तो बदमाश बनाया जा रहा और इस बात का अंजाम बहुत बुरा होगा, डरते नाम किसी से। अच्छा रे मेरी पंचायत में धमकी दे रहा, या कुछ शर्म कर शर्म। रोगा जी एक बात देखो, यहाँ भरी पंचायत में जो इतना बोल रहा तो बाद में क्या हाल करते होगे? ओए एक तो पंचायत में बैठ के तमीज से बोल, वरना तमीज में सिखा दूंगा तुझे क्या होती है तमीज। प्रधान जी अगर ये फैसला न माने आप मुझे कॉल करना और आप लोग आपस में बैठ के अपना समझौता कर लो, ठीक है? चलो अगर तुमने पंचायत का फैसला नहीं माना ना तो बहुत भारी पड़ेगा। चलो ठीक है मैं चलता हूँ अब। ठीक है दरोगा जी। हाँ प्रधान जी अब ठीक है, बात करके देख लेता हूँ, नहीं मानेगा तो पुलिस अपना आप देखेगी। देखो बल्लाज या तो पंचायत का फैसला मान लो नहीं तो फिर वो पुलिस केस बनेगा, क्या फायदा? ठीक है प्रधान जी, ये ऐसी बात है तो मैं पंचों का फैसला स्वीकार करता हूँ। ठीक है राम राम भाइयों। राम राम भाई। वेतल भाई अब तो खुश हो ना? अजी प्रधान जी जो आपने कर दिया ठीक कर दिया, बहुत खुश है हम तो। चल लाला तू जा घर को। पर मैं कहूँ था तो मैं भी चलू, हरी पंचायत के चक्कर में 3-4 घंटे हो लिया मुझे, मेरे तो 1000 रुपए का नुकसान हो गया, चलू मैं भी दुकान खोल लूंगा। वेतपाल भाई लाला जी भी अजीब ही है। हाँ आइए दरोगा जी बैठो। आए जी आइए। दीवान जी बैठो। प्रधान जी हम सही वक्त पर आ गए। जी दरोगा जी आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हो और आपका आना बेहद जरूरी भी था। और हाँ दरोगा जी मैंने तो आपको कई बार फोन किया था लेकिन आपका फोन बिजी चल रहा था। अरे क्या करे प्रधान जी अधिकतर फोन बिजी रहता है। प्रधान जी उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और जो लूट का माल था वो भी हमने बरामद कर लिया। ये तो आपने बहुत ही बढ़िया किया जी। और हाँ प्रधान जी बलराज को आज ही रोना पड़ेगा यहाँ पर। मैं आज ही रोऊं जी। अच्छा ठीक है सुनो आप लोगों को गांव से बाहर नहीं जाना मुझसे बगैर पूछे। और हाँ अभी तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ थाने चलना होगा। जी समझ गया लेकिन दरोगा जी हम बेकसूर है। अच्छा संजीव तुम्हारा लड़का है, तुम्हारे लड़के ने लूटपाट किया और अपना जुर्म भी कबूल किया है।
क्या संजीव ने जुर्म कबूल कर लिया? ये तो उसने बहुत गलत करा। बल्लाज अभी भी वक्त है, सही रास्ते पे आ जाओ, दरोगा जी आपके साथ में रियायत कर देंगे। ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। नहीं प्रधान जी, इनके साथ रियायत बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। प्रधान जी दीपिका सही कह रही है, इनका लड़का निहायत ही बदतमीज इंसान है। तो चुप खड़ी रहे, ये फालतू बोल ली तू, ज्यादा बोल रहा दिख गया तुझे। शट अप, वो सही कह रही है, बोलने का अधिकार है उसको। सर से थाने लेके चलो, ये बात करेंगे इससे। प्रधान जी भाई कानून के मामले में आप ज्यादा जानते हो मुझसे, जैसा आपको अच्छा लगे। चल तो पकड़ इसे। दीपिका हमारे गांव के प्रधान जी बहुत अच्छे इंसान है, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। सही कहा तूने। प्रधान जी आपने बिल्कुल सही फैसला लिया, जब तक इन जैसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी ना, ये जब तक हम जैसी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते रहेंगे। बेटे मैं एक ग्राम प्रधान हूँ और ग्राम प्रधान के लिए पूरी गांव की जनता एक समान होती है, इसलिए गांव की हर लड़की मेरे लिए बेटी की जैसी है, और मेरी बेटियों पे कोई बदतमीज आंख उठा के देखे तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ठीक है बेटा, अब तुम भी अपने। नमस्ते प्रधान। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा चावलों में कंकड़ काट रहा हूँ। अरे अंकल छोड़ो, मैं कर दूंगी काम। ये बेटी यू की कह रही तू, सच बुझ गए ना, पेट भर के खाना ही अब खा रहे हम, और ना पहले तो उल्टा सुद्धा बना के बन पेट भर ही थे बस। कोई बात नहीं अंकल जी, आपकी सेवा करने का पुण्य मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटी ये तो तेरा बड़प्पन है, और कितने अच्छे संस्कार मिले हैं तुझे। पिताजी तुम अभी नहाए भी ना हो, जा खड़े होकर नहा लो। अच्छा नहा लूं तो मैं। अच्छा चाय बना दो। बना दो जी। मैं ये बोल रही थी आप भी नहा लेते। अच्छा मतलब वैसे मान रही है, मैं सुबह ही 4 बजे नहा लिया और दोबारा नहा के मुझे ठंड में मरवा गए। चलो शुक्र है नहा तो टाइम पे लेते हो। अजी तुम ये तो बताओ, हम सारा यू एहसान के साथ आ रहे हैं। एहसान? कौन सा एहसान? अगर आगे से ऐसा बोला ना तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, और अंकल जी को भी बता दूंगी। अजी तुम बताने की टाड़ करो, मैं आगे से किसी को ना बोल देगा ऐसा ना। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना के लेती हूं। आजी ले आओ। हाँ दरोगा जी, हाँ मुझे मालूम है लड़का अच्छा है, होनहार है, पढ़ा लिखा है और एक नंबर का शरीफ है। अरे दरोगा जी उस पर गलत इल्जाम लगाया है, लड़का शरीफ है, आप उसे छोड़ दो। ठीक है जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा जी। ओके सर, ओके। प्रधान जी राम राम। अरे राम राम मेतपाल जी, और कैसे हाल है? बैठो और सुनाओ, घर परिवार में सब बढ़िया? सब कुछ नहीं। राम राम भाई, बैठो। सुनाओ भैया नंबरदार, कैसे आना हुआ? बहाना के जी मैं तो घूमन जा रहा था, सोचा आप दोनों को देख के बैठ के हो, मैं भी 2 मिनट में का बतला लूं, बात कर लूं। हाँ अच्छी बात है जी। और बताओ प्रधान जी,
हमें कैसे याद करा? याद क्या करना वेदपाल भाई, मेरा मन है कुछ कहने का, तो मैंने सोचा आपको यहाँ बुला कर कह ही दूँ। आज ये जो लड़की आ रही है नंबरदार जी के यहाँ, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखो मुझे तो बड़ी सुशील नेक बेचारी बड़ी अच्छी लड़की लगती है। नंबरदार जी एक बार आप है ना उस लड़की के पिताजी से बात करके देखो। देखो जी मेरी तरफ से तो मन है नहीं, बाकी मैं लल्ली के पिताजी से बात करके देखता हूँ जी। वेदपाल भाई ये भी ठीक है। हाँ प्रधान जी मेरा साला घना गरीब है, भनते दान दहेज की इच्छा ना रखियो जी बिल्कुल भी, भनते ना एक सुई भी तुम्हें मिलने की जी, गरीब बेटी बेटी मिलेगी जी आपको। नंबरदार वेदपाल भाई के यहाँ किसी चीज की कमी ना, इन्हें ना चाहिए एक रुपया भी, इन्हें तो दीपिका बस पसंद आ गई। अरे लंबरदार किसी के लिए दिए से पूरा पटेक है, अरे भगवान की दी मोज आ रही महाराज, किसी चीज की कमी थोड़ा ही है, हमें तो बेटी बहुत पसंद है दीपिका, हमारे घर खुशी मार लेगी हमें और क्या चाह। वेदपाल यही बात तो थे, मुझे वो लाली ही तो पसंद आ रही है, तभी तो मैं बार बार तेरे से कह रहा हूँ, कहता भी ना। चलो ठीक है तो करो बात। अच्छा जी प्रधान जी मैं लाली के पिताजी से बात करने ही जा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी राम राम जी। राम राम जी। वेदपाल भाई भगवान की कृपा होगी ना तो रिश्ता पक्का ही हो जाएगा, और यूं मान के चलिए घर में लक्ष्मी आ रही है ये। बिल्कुल जी लक्ष्मी का रूप है जी लड़की। अच्छा तो प्रधान जी अब मैं भी चलूं। ठीक है भैया। अच्छा राम राम। राम राम जी। राम राम जी। आज चौधरी साहब को मिठाई का डिब्बा भी दे दूंगा और ब्याह व्याह की बात भी कर लूंगा। और सुना बलाला कोई दिक्कत तो ना है? अजी चौधरी साहब खड़े होते हो कोई दिक्कत हो सके क्या? राम राम चौधरी साहब। राम राम। आ जाओ आ जाओ बैठ। फूफा जी राम राम। राम राम बेटा। राम राम। और सुनाओ नंबरदार कितने दिन में दिखाई दिया? बस दुआ है जी आप लोगों की, काम धाम में बिजी रह मैं जी, ऐसे ही बस थोड़ा सा काम फालतू सा चल रहा। अंकल जी मैं चाय बना लेती हूँ। ना बेटा ना चाय ना बने, चाय ना पीने का बिल्कुल। लंबरदार इतनी दूर तक चल का है, एक कप चाय तो ले लो। ना ना इच्छा ना जी बिल्कुल भी इच्छा ना। अरे भाई लंबरदार अब तो मेरी रसोई का सारा काम भी बिटिया संभाल रही है। चौधरी साहब अब तो तुम्हारा पूरा घर भी है लल्ली संभालेगी। वो कैसे? चौधरी साहब पहले तो मिठाई का डिब्बा लो, और अब हमारे साले ने ब्याह की हरी झंडी दे दी। अरे भाई तो बहुत बढ़िया बात हुई। ले बेटी ये सगुन है, ले माथे का लगा। अच्छा चौधरी साहब अब हम चले जी। कैसी बात कर रहे हो, अब तो चाय पानी पी के जाइयो। अजी चाय वाय ना पीते ही, ना चाय का टाइम है जी, भैंस का दूध काढ़ना देर और लग रही। अच्छा, अच्छा जी राम राम जी। अच्छा राम। अच्छा मुझे बहुत देर से बैठो और मुझे भी दुकान खोल ली। अच्छा ठीक है। लाला ये मिठाई का डिब्बा तो देता जा। बालकों को ना बांट दी मुझे मिठाई।